नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर जी मीडिया ने बहुत ही बड़ी तैयारियां कर ली हैं और इस तैयारी के मुताबिक हम सभी के बीच एक चैनल को बंद करके एक नए चैनल को लॉन्च करने की तैयारियां हो रही हैं। अगर हम इसके डिजिटल चैनल के बारे में बात करें जो कि हमारे लिए यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो उसका नाम कुछ और देखने को मिलेगा। और जबकि अगर हम सैटेलाइट टीवी चैनल की बात करें तो उसका नाम कुछ और ही होगा। अब ये चैनल लॉन्च कब से होगा, कब से नहीं होगा, क्या नाम रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और ये कौन से चैनल की जगह पर लॉन्च होगा ये भी आपको जानने का पूरा मौका मिलेगा। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर प्राप्त हो। तो आखिर वो जी का कौन सा नया चैनल है जो कि हम सभी के बीच लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में बताएं। उससे पहले हम आपके बीच लेकर आए हैं डिश टीवी की ओर से जिंग सुपर एफटीए बॉक्स एचडी का DZ3700 HD मॉडल। ये जो मॉडल है दोस्तों वो कुछ ही समय के लिए रह गया है और कुछ ही समय के बाद कंपनी की ओर से इस मॉडल में भी चेंज होने वाला है। और ये जो मॉडल है वो आप सभी के बीच अभी पेंड्राइव के साथ आता है, जिसके साथ आप अच्छी खासी वीडियोस को प्ले कर सकते हो, गाने सुन सकते हो या फिर इमेजेस को भी देख सकते हो। तो ये जो मॉडल है दोस्तों कुछ ही समय के लिए रह गया है, जल्दी करो इस मॉडल को अपना बनाओ, क्योंकि इस मॉडल में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है पूरे 350 से भी ज्यादा टेलीविजन चैनल्स का। नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं तो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया सब तरह के चैनल आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप साउथ इंडिया के रहने वाले हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा जो भी चैनल आपके हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी इसमें आप अपने पसंद के पेड चैनलों को भी अलग से रिचार्ज करके सब्सक्राइब करके देख सकते हो। 1 साल की बॉक्स की वारंटी भी मिलती है डिश टीवी कंपनी की ओर से। ये डिश टीवी कंपनी का ही डिब्बा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंग डिजिटल अलग ब्रांड है, नहीं है, डिश टीवी का ही ब्रांड है, सब ब्रांड है, क्योंकि डिश टीवी के नाम से पहले जाना जाता था लेकिन आज के समय में जिंग डिजिटल के नाम से ही बॉक्सेस सेपरेट बनाए गए थे। तो DZ3700 HD मॉडल अगर आपको चाहिए देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने आपको लिंक दे दिया है जहां से जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो ऑल ओवर इंडिया के लिए। विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज में ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट पर शिपिंग फ्री है, कैश ऑन डिलीवरी के लिए ₹200 का चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। और इसके अलावा अगर किसी को ऑर्डर करते समय परेशानी आ रही है तो सामने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, इसी नंबर पर आप कॉल करके भी अपनी बुकिंग करवा सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर आप तुरंत हमें मैसेज करें। तो चलिए बात कर ही लेते हैं कि आखिर वो कौन सा चैनल है जो कि हम सभी के बीच जी की ओर से लॉन्च होने की तैयारियों में है। तो उस चैनल का नाम रहेगा जी भारत। जी हाँ, जिस तरह से आपका रिपब्लिक भारत है, भारत 24 है, उसी तरह से अब जी ने भी भारत के नाम से चैनल को शुरू करने की पहल की है। अब जी भारत के नाम से हम सभी के बीच एक नया न्यूज चैनल देखने को मिलेगा। एक किस तरह की न्यूज दिखाने वाला है उसके बारे में तो कुछ फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन भाषा हिंदी रहेगी ये तो 100% कन्फर्म है, क्योंकि चैनल का जो लोगो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेंगे कि भाई आखिर चैनल का जो लोगो है वो तो आपको मैंने दिखाई दिया, लेकिन ये रिप्लेस किसको करेगा। तो जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके मुताबिक इसने जी हिंदुस्तान का जो है लाइसेंस प्राप्त किया है, यानी जो जी हिंदुस्तान आपका हिंदी न्यूज का चैनल है, क्योंकि आपके डीडी फ्री डिश या बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलता है। वैसे डीडी फ्री डिश में कुछ समय पहले हटा दिया गया और वही जो चैनल है वो हम सभी के बीच बंद होने वाला है और उसी की जगह पर इस नए चैनल को हम देखने वाले हैं। हो सकता है कि रीब्रांड होने के बाद एक बार फिर से ये डीडी फ्री डिश पर अपनी जगह बना लें, लेकिन फिलहाल आपके सभी तमाम डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों यही कुल जानकारी थी जो कि हमारे पास पहुंचाई गई है। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।